पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि निर्यातकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना होगा। वो दिल्ली रोड स्थित एक होटल में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग के माध्यम से देश के 10 लाख श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में मुरादाबाद से व्यवसायिक गतिविधियों में लगातार गिरावट आ रही है, चाहे वो घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, या फिर व्यवसाय सकारात्मक दिशा में नहीं है। मुद्रास्फीति सभी देशों में सबसे ऊंचे ब्याज दर, रूस यूक्रेन में विश्व बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी गई है। इस दौरान अमित अग्रवाल ने कहा कि व्यापार में गिरावट आई है। इस कठिन समय में कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। महासचिव रचित अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी हर स्तर पर उत्पीड़न करते हैं, निर्यातकों को प्रशासन के द्वारा MDA के स्तर पर लटकाया जाता है। एकल खिड़की व्यवस्था आज तक पूरी नहीं की गई, निर्यातकों को अपने कामों के लिए इधर उधर अधिकारियों के पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मौके पर हिमांशु बंसल, अजय कुमार जिम्मी, नीरज गुप्ता, संदीप जैन, अमित अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे।